हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं प्रियंका एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और एजुकेशन फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी डिसीजन मेकिंग के बारे में कि डिसीजन मेकिंग हमें कैसे करना चाहिए। अभी तक हम लाइफ स्किल्स के थ्री हैंड्स यानी कि थ्री टाइप्स में से हम फर्स्ट हैंड उसका कवर कर चुके हैं। अभी आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन सभी वीडियोस को सिक्वेंस से देखिए और तभी सेकेंड स्किल्स के बारे में जान पाएंगी। तो हमने थ्री हैंड में जो फर्स्ट हैंड कंप्लीट किया है वो थिंकिंग स्किल्स के बारे में जाना है कि थिंकिंग स्किल्स कैसी होती हैं, क्या कौन से टाइप्स हैं, और उसमें आता है CCPD। CCPD को हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। आज का ये जो वीडियो है वो सेकेंड टाइप्स पे सोशल स्किल्स के बारे में है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर कॉमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सोशल स्किल्स। इसके बारे में आपको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू में समझाती हूँ कि क्लासरूम सेटअप है, क्लासरूम में टीचर है और टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, और जब टीचर बच्चों को पढ़ाती है तो उस समय एक टीचर जो है वो स्टूडेंट से क्वेश्चन करके पूछ लेती है खड़े होकर कि स्टैंड अप और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, और वो स्टूडेंट उसका आंसर नहीं बता पाता तो कोई गलत आंसर बता देता है, तो जो बाकी के क्लासरूम के जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो उस पर हंस देते हैं। तो इट मीन जो लोग उस पर हंस रहे हैं उनमें सोशल स्किल्स नहीं है, बिकॉज जिन लोगों में सोशल स्किल्स होती है वो हमेशा दो चीज़ों को कभी नहीं करते। सबसे पहला, किसी के ऊपर हंसते नहीं है क्लास में। सेकेंड, किसी का मजाक नहीं बनाते। सोशल स्किल्स वाले लोग खुद अपनी रिस्पेक्ट तो करते ही हैं, साथ ही साथ दूसरों की रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो जिन लोगों में सोशल स्किल्स नहीं होती वे हमेशा ये देखते हैं कि अब मैं किसको परेशान करूं, किसका मजाक उड़ाऊं, हमेशा खाली बैठ के भी वो यही सोचते हैं। तो इसलिए सोशल स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, और सोशल स्किल्स में कई सारी स्किल्स आती हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ कि ये बेसिकली कितने टाइप्स की होती हैं। सोशल स्किल्स में थ्री टाइप्स की स्किल्स आती हैं जिन्हें हम स्टैंड करते हैं CIE। CI यानी कि कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल एम्पैथी। तो फर्स्ट जो स्किल्स की हम बात करेंगे वो है पहला कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स वो स्किल्स होती है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपनी बात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पाता है, उसको अपनी बात समझा पाता है, यानी कि एक तरह का प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं या उन्हें अपनी बात समझा सकते हैं। तो इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में बेसिकली टू टाइप्स के स्किल्स आती हैं। पहला है वर्बल स्किल्स, दूसरा है नॉन वर्बल स्किल्स। वर्बल स्किल्स की अगर मैं आपसे बात करूं कि आप में वर्बल स्किल्स होनी चाहिए, जिसमें हमारा वॉल्यूम सबसे पहले आता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमारा वॉल्यूम कैसा है, हाई है, लो है, हमारा पिच कैसा है बात करने का, और हमारे जो भी हम वर्ड्स बोलते हैं, हम जो भी बात दूसरों तक बोल रहे हैं, हम जो भी वर्ड्स उन तक पहुँचा रहे हैं बातों के थ्रू, वो वर्ड्स कैसे बोल रहे हैं, उन वर्ड्स में हमारी जो वॉल्यूम का पिच है वो कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, हम वर्ड्स के थ्रू ही अपनी फीलिंग्स को बता पाते हैं। हम अपनी फीलिंग्स तभी बताएंगे जब हम वर्ड्स बोलेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आप बहुत हैप्पी हैं और अपनी फीलिंग आप बता रहे हो कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, लेकिन आप ये फीलिंग हैप्पी वाली बता रहे हैं लेकिन आपके फेस से, लेकिन आपकी वॉइस से वो फीलिंग नहीं आ रहा, वो कोई और आवाज़ आ रही, बहुत बहुत ही धीरे करके बोल रहे हो लाइक आई एम हैप्पी, बट आप नहीं फील कर रहे, तो आपकी वॉल्यूम में भी वो हैप्पीनेस फील होना चाहिए। तो आपकी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही आपकी फीलिंग एक्सप्रेस होती है। तो इसलिए हमेशा वर्बल स्किल में आपको अपने वॉल्यूम्स पर, अपने वर्ड्स पर बहुत स्पेशली ध्यान देना है कि जिस चीज़ को आप बता रहे हैं वो वैसा दिखना भी चाहिए। अगर आप हैप्पी बोल रहे हैं तो आपके एक्सप्रेशंस में भी वो हैप्पी, आपकी जो साउंड की जो क्वालिटी है, जो वॉल्यूम है, वो भी हैप्पीनेस वाला शो होना चाहिए, उसकी फ्रिक्वेंसी भी वैसी होनी चाहिए। सेकेंड है नॉन वर्बल स्किल। नॉन वर्बल स्किल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है आई कॉन्टैक्ट, कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप आई कॉन्टैक्ट करके ही बात करें, बिकॉज आई कॉन्टैक्ट नहीं करते तो आपका लो कॉन्फिडेंस आपको माना जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। इसलिए अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हमेशा आई कॉन्टैक्ट के थ्रू ही बात करें। आपके बॉडी पोस्चर्स और गेस्चर्स भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत इफेक्टिव होते हैं, और ये नॉन वर्बल है कि आप किस तरीके से आप बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, आपके शोल्डर्स कैसे मूव हो रहे हैं, आप हैंड्स कैसे बात करते समय हैंड्स का कैसे प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो आती हैं वो नॉन वर्बल स्किल्स में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्लासरूम सेटअप का ही मैं बात ले लेती हूँ कि टीचर एक स्टूडेंट से बोलती है क्लासरूम में कि क्या नाम है आपका,
तो ये ठीक है, उन्हें बहुत वॉल्यूम भी उनका ठीक था, उनका वर्ड भी ठीक थे है ना, और वो जिस तरीके से पूछना चाह रही थी वो भी ठीक था, लेकिन वही कोई टीचर आके बोलते ओए क्या नाम है, तो इट्स डिफरेंट हो जाएगा। तो जैसे आप जिस एनवायरमेंट में हैं, जिस माहौल में हैं, उस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए वर्बल और नॉन वर्बल को मिलाकर ही हमेशा कम्युनिकेट करें, तभी हमारी पर्सनैलिटी का पता चलता है। और जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं, जब बहुत अच्छे से हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स भी डेवलप हो जाती हैं। जिन लोगों में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती, वो बार बार एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और इंट्रैक्शन नहीं कर पाते। तो जो लोग इंट्रैक्शन नहीं कर पाते, उनमें इंटरपर्सनल स्किल नहीं होती। अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, आप लोगों से बहुत अच्छे से इंट्रैक्शन कर पाते हैं, अपनी बात दूसरे तक कन्विंस कर पाते हैं, उनको उस बात को समझा के मना लेते हैं, तो इट मीन आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स है। इंटरपर्सनल स्किल्स को और इम्प्रूव करने के लिए फर्स्ट है पुट ऑन अ हैप्पी फेस। हमेशा आपके चेहरे पर एक ब्राइटनेस, एक चमक होनी चाहिए, जिससे कि लोग आपकी तरफ आए और आपसे उम्मीद करें कि यहाँ से मुझे कुछ हेल्प मिल जाए, या मैं इससे ये बात पूछूंगी तो मुझे इसका आंसर पता चल जाएगा, या मुझे मेरे अंदर के जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे, हेल्प ले सकती हूँ मैं या हेल्प ले सकता हूँ। तो इसलिए हमेशा आपके चेहरे पे एक चमक होनी चाहिए, भले आप अंदर से कितने दुखी हो, लेकिन सामने जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन या आपका जो अपीयरेंस है वो एक ब्राइटफुल होना, ब्राइटनेस वाला होना चाहिए, यानी कि हैप्पी फेस होना चाहिए। सेकेंड है शो डैट यू केयर। हमेशा ऐसा शो करो कि आप लोगों की केयर कर सकते हैं। आपका जो दिल है वो बहुत रहमत दिल वाला है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी ऑफिस में हैं, ऑफिस में कोई लंच नहीं लाया है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, जो आप उसके संग अपना लंच शेयर कर सकते हैं। या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो घर जाना चाहता है पर उसके पास आज ऑफिस जल्दी जल्दी आने के चक्कर में अपना वॉलेट भूल आया, तो आप उसकी उसमें भी उसकी केयर कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं कि ठीक है मैं पैसे दे देता हूँ, तुम ऑटो करके चले जाओ। या फिर कोई भीड़ में कोई भी एक बुजुर्ग लेडी आपको दिख जाती है और आप उसको भीड़ को थोड़ा सा साइड करके उस लेडी को जाने की रास्ता दिलवा देते हैं, तो इस तरीके से आप किसी की भी केयर शो कर सकते हैं। बी एन एक्टिव लिसनर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्किल कि आपको हमेशा एक्टिव लिसनर होना चाहिए, कि सामने वाले आप जो भी बात कर रहे हैं या आप जो भी वो कर रहा है, आपको बहुत ध्यान से सुने समझे। प्रमोट टुगेदर, हमेशा एक दूसरे को एक साथ मिलकर उसको प्रमोट करें। अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है, वो आपको बता रहा है कि ये प्रॉब्लम मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम को उसकी ना बना के उसकी सबकी, हम सबके भी यही प्रॉब्लम है, मिलकर हम उस पर बात करते हैं, मिलकर हम उस पर डिस्कशन करते हैं, तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन या ऑल्टरनेटिव निकल आएगा। नेक्स्ट सेटल डिस्प्यूट्स, ये पर्सनालिटी से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपने किसी फ्रेंड के का बोलने का वे ऑफ टॉकिंग अच्छा नहीं लगता, या फिर हम बोल सकते हैं कि तुम कितना ऑयल लगाते हो, तुम्हारे बाल कितने चंपू टाइप के हैं, तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी जिस तरह से हम उनकी पर्सनैलिटी से उनको जो है उनका अलग बता देते हैं, तो इस तरीके से जो डिस्प्यूट्स हैं उनको हम सेटल कर सकें, तो यही इंटरपर्सनल स्किल्स है। नेक्स्ट स्किल की हम बात करते हैं, वो है थर्ड, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है, एम्पैथी स्किल। एम्पैथी स्किल को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि दूसरे लोग जो फील कर रहे हैं वही आप अपने लिए फील कर रहे हैं, वही एम्पैथी स्किल होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि दूसरे लोगों की फीलिंग को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो इट कॉल्ड अ एम्पैथी स्किल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आप घर जा रहे हैं और घर जाते टाइम रास्ते में आपको कोई एक एक्सीडेंट दिखाता है, और उस एक्सीडेंट को देख के आप बहुत दुख शो करते हैं, बहुत सॉरो अफसोस शो करते हैं, तो आपको उस चीज के लिए दुख हुआ, तो ये हुआ सिंपैथी। लेकिन आप उस जब वो एक्सीडेंट हुआ और वहां जाके आपने उनकी हेल्प करी, और हेल्प में आपने पुलिस को फोन किया या एम्बुलेंस को फोन किया, और जो व्यक्ति वहां जो लेटा हुआ है उसको ब्लड निकल गया है, उसको रुमाल हैंगी से उसको टाई करके उसको बांध के उसको ऐसा विश्वास दिलाया कि तुम ठीक हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी वो वैन आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है, तो आपने ऐसा उसके लिए बिहेवियर शो करा, आपने उसको फील किया कि मेरे फैमिली या मेरे घर में किसी के संग ऐसा कुछ हो गया होता तो मैं क्या करता, तो आपने उसके दुख को, उसकी जो फीलिंग्स थी उसको बिल्कुल अपने में अंडरस्टैंड किया, और वहां पे एम्पैथी आपने शो करी, तो इसे एम्पैथी बोलते हैं।
एम्पैथी को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, फर्स्ट है कि हम लिसन, लोगों की सुने ढंग से कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, ओपन अप हो। थर्ड है ऑफर फिजिकल अफेक्शन हमेशा, वो अगर कोई प्रॉब्लम में हो या कहीं पे भी हम उन्हें फिजिकल अफेक्शन दें, लाइक टीचर स्टूडेंट को शाबाश कहती है, थपथपाती है उसकी पीठ, है ना, और लाइक बोलती चलो घबराओ नहीं टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह के जो एफर्मेशन है, पॉजिटिव एफर्मेशन, फिजिकल अफेक्शन, जादू की झपटी हम जिसे बोलते हैं, है ना, तो इस तरीके की चीज़ों से हाँ हम एम्पैथी स्किल्स को और डेवलप कर सकते हैं। विदाउट होल्ड जजमेंट हमें नहीं होना चाहिए, एकदम से हम किसी के लिए जजमेंट पास ना करें, लोगों के लिए हमें ऑफर हेल्प करनी चाहिए।